नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश मनी और आज के इस वीडियो में हम लोग कूलम्स लॉ को शॉर्टकट में जानेंगे। शॉर्टकट में इसलिए क्योंकि डिटेल में मैंने पहले कूलम्स लॉ को बताया है, पूरे 35 मिनट का वीडियो बनाया है जिसमें एक एक पोर्शन को मैंने डिस्कस किया है कूलम्स लॉ को। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या अगर आप एविंग हाई के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखे होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो वहां से जान लीजिए, शॉर्टकट में जानना चाहते हैं तो यहां से जानिए, क्योंकि यह क्वेश्चन ऑफ द डे का सीरीज चलता है जिसमें हर दिन सुबह 6 बजे मैं वीडियो आता हूं और आपसे मैं एक क्वेश्चन ही पूछता हूं। कूलम्स लॉ बताने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, और ये जो कूलम्स लॉ मैं बता रहा हूं इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था। मैं लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका जवाब आज देता हूं, आज जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब कल दूंगा, कल जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब परसों दूंगा। इसी तरीके से यह क्वेश्चन डे का सीरीज चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले ना मैं कूलम्स लॉ को बहुत अच्छे तरीके से पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी पूछ दूंगा आपसे और आप उसका आंसर जरूर बताइएगा। देखिए, कूलम्स लॉ पहले होता क्या, पहले ये सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा लॉ है जिसके द्वारा हम दो चार्ज के बीच फोर्स निकालते हैं। तो आंसर होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के जरिए हम दो चार्ज के बीच फोर्स निकालते हैं, और कूलम्स लॉ ये कहता है कि जैसे मान लीजिए एक ये चार्ज हो गया और एक चार्ज हो गया, मतलब एक आवेश ये और एक दूसरा आवेश ये है, दोनों कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो आपको पता होगा ना कि इस आवेश के कारण इस पे फोर्स लगेगा और इस आवेश के कारण इस पे फोर्स लगेगा, दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, मतलब एक दूसरे के कारण एक दूसरे पे बल लगता है, फोर्स लगता है। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, हां इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो इन दोनों चार्ज के गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होगा। ये चार्ज मान लीजिए Q1 और ये चार्ज Q2 है, तो दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा ये Q1 गुना Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के बीच का जो दूरी R है उस R के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुनिए, कूलम्स लॉ ये कहता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों के चार्ज के गुना के समानुपाती। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो R, R के स्क्वायर का इनवर्सली, यानी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R2। अगर मिला देंगे दोनों को तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 * Q2 / R2। अगर आप रेगुलर व्यूअर एमिंग हाई के हैं तो थोड़ा भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पूरे मैंने 35 मिनट के वीडियो में इसको अच्छी तरीके से समझाया है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, और वहां से आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये था कूलम्स लॉ का शॉर्टकट जानकारी, और आपको बता दें कि कूलम्स लॉ के जरिए दो चार्ज के बीच फोर्स निकाला जाता है, और इसके बारे में कूलम्ब नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इस लॉ के बारे में कूलम्ब नाम के वैज्ञानिक ने बताए थे, इसलिए उन्हीं के नाम से इस लॉ को बोला जाता है कूलम्स लॉ। अब बता देते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले बच्चों का नाम, जो लास्ट सीरीज में इसका सबसे पहले सही आंसर जवाब दिए थे, और वो लकी 20 बच्चे का नाम यह है। तो आप 20 को बहुत बहुत बधाई, आपने बिल्कुल सही तरीके से सही ढंग से जवाब दिया। ऐसे ही जवाब देते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए और हमेशा जिंदगी में आगे जाते रहिए। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज के लिए मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ दूं कि आज का क्वेश्चन डे ये है कि आप लोग बताइए कि आप लोगों को पता है कि चार्ज कितने तरीका का होता है, जल्दी बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चार्ज कितने तरीका का होता है, और ये जिन दो तरीके का जो चार्ज है, जो भी दो तरीके का चार्ज है, उसके बारे में कौन बताए थे, किस वैज्ञानिक ने बताए थे कि चार्ज इन दो तरीके का होता है, इसके बारे में पहले मैं जितना भी क्वेश्चन पूछता हूं ना, सबको मैं पहले बता दिया हूं, सबको मैं पढ़ा दिया हूं, तभी क्वेश्चन पूछता हूं। आप आंसर जरूर बताइएगा कि चार्ज दो तरीके का होता है वो कौन कौन सा होता है, और इन दोनों के बारे में बताए थे नाम कि इन दो तरीके का जो चार्ज होता है उस वैज्ञानिक का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। आप लोग जल्दी से आंसर बताइए, कल फिर से आप इसका आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और आप लोगों से एक नया क्वेश्चन ही पूछेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।